आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डबल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, जिसमें कुछ कुछ बहुत इजी होता है, जैसे 15 × 15। ये है तो वो करना क्या है कि जब सेम जो इकाई स्थान है जोड़ने पे 10 हो जाए, इकाई स्थान जोड़ने पे 10 हो जाए और दाई स्थान एक समान हो, तो बहुत सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5 क्या हो गया 25, ठीक है, और दाई को दाई से गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना होगा 1 × 1 क्या होगा 1, और उसी दाई स्थान में 1 को फिर जोड़ दीजिए, तो क्या होगा 1 × 1 = 1 + 1 क्या हो गया 2। फॉर एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 25 है, इसको 25 को 35 से गुना करते हैं, ठीक है, तो जोड़ने पे कितना आ चाहिए 10, 5 इकाई जोड़ने पे 10 आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है डिफरेंस कितने का है, 35 में से 25 किया कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का आ रहा है। तब ऐसा केस में क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते थे 25 आता था, अब यहाँ पे जब डिफरेंस 10 का रहेगा और इकाई स्थान जोड़ने पे 10 आ जाए, तब सीधे यहाँ पे क्या करेंगे 75 कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, 3 × 6 तो गुना होगा, लेकिन यहाँ पे जब गुना करते थे तो गुना करके 1 जोड़ देते थे जो 1 आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 × 6, लेकिन इसमें दोनों में से जो छोटा है उससे जोड़ेंगे, 3 × 6 और 2 क्या होगा 8, ठीक है। फिर एक बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 95 है, फिर गुना 95 है, ठीक है, देखिए इकाई स्थान जोड़ने पे 10 है और आपका दाई स्थान एक समान है, तब क्या करेंगे इसको इससे क्या करेंगे, जोड़ने पे 10 आ रहा था 25 कर देंगे, और 9 × 9 = 81, 81 में क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, 81 जो जो आपका अंक है दाई स्थान उसी को जोड़ते हैं, उसी से गुना करेंगे उसी को जोड़ेंगे, तो 9 × 9 = 81, 81 × 9 क्या हो जाएगा 90, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी देखिए 35 है और यहाँ पे 45 है, देखिए क्या है आपका डिफरेंस कितने का है 10 का है और आपका जोड़ने पे क्या आ रहा है 10 भी आ रहा है, बहुत अच्छे, तो क्या होगा 75 करेंगे सीधे और इसको उससे गुना करेंगे 4 × 3 = 12, छोटा से जोड़ेंगे 12 × 3 = 15, इस प्रकार आपका ये आंसर सही होगा इसका, ठीक है, सिंपल। इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको आगे और भी बहुत सारी नॉलेज वाली चीज मिलेंगे मैथ्स के लिए, जो कंपटीशन में आपको बहुत बहुत ही काम आएंगे। धन्यवाद।